Good morning students, welcome to online class for class 3rd, subject English first. So students, open your English Alive Collins book and open chapter number 1st, okay? The name of chapter is Limericks. In this video, we will do the explanation of this chapter, okay? So firstly, is Limericks. The meaning of Limericks is a short 5 lines poem. ओके लिमरिक्स क्या होती है लिमरिक्स होती है हमारी फाइव लाइंस की शॉर्ट पोएम होती है विद ह्यूमर जो मजाकिया होती है उसका कोई सेंस नहीं होता कोई मीनिंग नहीं होता ये लोगों को बस ह्यूमरस एंजॉय के लिए फन के लिए बनाई जाती है सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड एंड एंजॉय लिमरिक्स अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे रीड पढ़ेंगे एंजॉय करेंगे लिमरिक्स को प्रैक्टिस राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे लर्न अबाउट लिमरिक्स एंड देयर राइम्स सीम लिमरिक्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो राइम करती है क्रिएट अ फनी कार्ड और फनी मजाक के कार्ड्स बनाएंगे सो फर्स्ट इज वार्म अप सो स्टूडेंट यू कैन डू दिस वार्म अप आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आप ये तभी कर पाओगे जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी सो फर्स्टली वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर सो ओपन पेज नंबर 14 ओके सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर रीडिंग Edward Lear was an English poet who wrote many nonsense poems. Edward Lear एक English के poet थे कवि थे जिन्होंने काफी सारी nonsense यानी के बिना मतलब वाली poems कहानियां लिखी हैं. These poems often made up words that have no real meaning. ये poem ऐसी हैं जिनका real में कोई मतलब नहीं बनता but उन्होंने फिर भी limericks लिखी हैं. He also wrote several limericks. उन्होंने काफी सारी limericks लिखी हैं. A limericks is a funny poem consisting of 5 lines. Limericks होती है 5 lines की poem होती है उसमें 5 lines होती हैं. Let us read some limericks by Edward Lear. अब हम यहाँ पे कुछ limericks पढ़ेंगे Edward Lear की. So first one is there was an old man in a tree. Okay? In this picture you can see there is a old man. Okay? On a tree. एक old man बूढ़ा व्यक्ति है जो कहाँ बैठा हुआ है tree के ऊपर बैठा हुआ है. There was an old man in a tree. Old man कहाँ पर है? इन अ ट्री के ऊपर है वो वॉज हॉरिबली बोर बाय अ बी वो बुरी तरह से डर चुका था किससे बी से मधुमक्खी से वेन दे सैड डज इट बर्ड तब वहां जो आसपास लोग थे उन्होंने पूछा डज इट बर्ड वो बी जो है मक्खी जो है क्या वो बर्ड्स की आवाज निकलती है ही रिप्लाइड यस इट डज हाँ वो ये ऐसा करती है इट्स अ रेगुलर ब्रूट ऑफ अ बी वो एक ऐसा जानवर पशु है जो हमेशा बी की आवाज निकालता है इसमें कोई साइंस है बिकॉज बी का काम क्या होता है हर एनिमल का कुछ ना कुछ आवाज निकलती है साउंड होती है इसी तरह से जो हमारी बी होती है मक्खी होती है उसकी भी आवाज होती है बस की तो इसलिए इसका कोई साइंस नहीं बनता नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट लिमरिक्स है ओके देयर इज अ पिक्चर ऑफ सेकेंड लिमरिक्स सो आई विल एक्सप्लेन दिस सेकेंड लिमरिक्स देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड एक बूढ़ा आदमी था उसकी बियर्ड थी बियर्ड का मीनिंग होता है दाढ़ी ओके वो सेट इट इज जस्ट एज आई फियर्ड मैं हमेशा डर के रहता हूँ टू आउस ओके टू आउस यानी दो उल्लू एंड अ हैन मुर्गी फोर लार्क्स लार्क्स पता है किसे बोलते हैं लार्क्स का मीनिंग होता है स्मॉल ब्राउन बर्ड विद अ प्लेजेंट सॉन्ग जो बहुत अच्छा गाना गाती हो एंड अ रैन रैन बोलते हैं जो गाने वाली स्मॉल बर्ड होती है हमारी छोटी बर्ड होती है चिड़िया सो लार्क्स रैन ओके Four larks and a wren have all built their nest in my beard. मुझे इस old man को हमेशा डर लगता था कि इसकी beard पे इसकी जो बड़ी सी beard है दाढ़ी है उस पे owls, larks, wren, hen ये कहीं अपना nest ना बना ले घोंसला नहीं बना ले Actually में क्या ऐसा होता है किसी की beard दाढ़ी इतनी बड़ी होती है कि उस पे animals अपना home बना ले nest बना ले No. Actually में real में ऐसा कुछ नहीं होता बट ये क्या है limerick से एक ह्यूमरस है थोड़ा सा इंजॉय लविंग के लिए पोएम्स लिखी गई है ताकि लोग थोड़ा सा इंजॉय कर सके बट एक्चुअली में इसका कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज किसी की ना तो इतनी बड़ी बियर्ड होती है अगर बियर्ड होगी भी तो उस पर कोई एनिमल अपना नेस्ट नहीं बनाएगा नेक्स्ट हमारी थर्ड लिमरिक्स है देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ बेसिंग एक पुराना आदमी था बेसिंग में रहता था उस प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड का मीनिंग होता है हमारा इंटेलिजेंस उसका दिमाग बहुत अच्छे से तेजी से चलता था ही परचेज अ स्टीड उसने एक घोड़ा खरीदा था विच ही रोड एट फुल स्पीड जिसपे वो बहुत तेजी से सवारी करता था किस पे बैठ के उस स्टीड पे घोड़े पे बैठ के बहुत तेजी से सवारी करता था एंड एस्केप फ्रॉम द पीपल ऑफ बेसिंग और वो चाहता था कि मैं भाग के दौड़ के बेसिंग के लोगों से बहुत दूर चला जाऊं
क्या ऐसा होता है हॉर्स इतना फास्ट भी स्पीड फुल स्पीड में दौड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये हमारी फर्स्ट लिमरिक्स, सेकंड लिमरिक्स एंड थर्ड लिमरिक्स तीनों थोड़ी फन इंजॉयबल थी, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज ना तो कोई ट्री पे बैठ जाएगा बी से बचने के लिए, ना ही किसी ह्यूमन के बियर्ड पे दाढ़ी पे कोई एनिमल अपना नेस्ट बनाएंगे, और ना ही कोई हॉर्स इतनी तेज स्पीड में फुल स्पीड में भाग सकता है। बिकॉज हॉर्स की नॉर्मल स्पीड जो है वो उसी में ही रनिंग करेगा, दौड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फुल स्पीड में, स्पीड गाड़ियों की होती है, ट्रांसपोर्ट की होती है, किसी एनिमल्स या ह्यूमन की नहीं। ओके, सो स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड दिस लिमरिक्स। ओके, सो ट्राई टू फील एक्सरसाइज योर सेल्फ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।